बीएसएफ यारो आरएम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जीएस का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फरुखद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर था संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह 1986 में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, लाल बहादुर शास्त्री पीएम अर्थात प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? सामाजिक, राजनैतिक, लोकतांत्रिक, आर्थिक, ऑप्शन के रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, लोकतांत्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार दिया गया? तो राजकुमार राव को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो धम्म, संघ, बुद्ध तीनों है, अहिंसा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। किस यज्ञ को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो सारनाथ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चोल राजवंश के प्रवर्तक थे? तो विजयालय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। कंदारिया महादेव मंदिर के निर्माता थे? चंदेल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो बुंदेल दरवाजा, बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये अकबर द्वारा निर्माण कराया गया। ताजमहल दिल्ली का, लाल किला दिल्ली की, जामा मस्जिद ये शाहजहां द्वारा निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। तापमान को मापने के लिए अर्थात थर्मामीटर का प्रयोग होता है, शरीर के तापमान मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई संदर्भित करता है अपतट तेल क्षेत्र से? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है? तो अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है, जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अल्पास यूरोप में, राकी दक्षिण अमेरिका, हिमालय एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक हैं, सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि?
वह वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमना का अर्थ क्या होता है? तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद।